इमेजिन कीजिए कि अगर आपके सबसे क्लोजेस्ट पर्सन को एक बंदा विदाउट एनी रीजन मर्डर कर देता है और आप कुछ नहीं कर सकते, उसी समय आपका मानसिक स्थिति क्या होगा? क्या वह रेज होगा या सिर्फ सैड होगा, या गिल्ट फील होगा कि मैंने कुछ कर नहीं पाया, या फिर यह सारे इमोशंस का कॉम्बिनेशन होगा जो कि हमें हर फिक्शन में हर रियलिटी में दिखाया जाता है? इस प्रकार के अल्टीमेट इंटेंस इमोशनल स्टेट को क्या पुकारना चाहिए? तो दोस्तों, मैं हूं लॉजिकल बीइंग। आज हम बात करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग इज सुपरसन वन एंड सुपरसन टू। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप जान जाओगे कि सुपरसन वन और सुपरसन टू कौन सा टॉप है, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका फीट्स क्या है, उनका स्केलिंग क्या है। और ये जो सुपरसन वन और टू जो है वो ड्रैगन बॉल जी सागा का है, नॉट फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर सागा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज कायोकेन। दोस्तों, गोकू का फॉर्म कायोकेन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो नामेक सागा में ही 180 पावर लेवल से सीधा 4 मिलियन टू 5 मिलियन के अंदर वो चला गया था। मतलब 1,80,000 से 50 लाख तक तो उसका पावर लेवल चला गया था। उसके बीच में इतना उसका गैप था, मतलब इतना ज्यादा बेटर स्ट्रेंथ वो कहां से लाया एक दिन के अंदर। वो रीजन बनता है जेंकाई बूस्ट। जेंकाई बूस्ट जो रहता है वो सेंस का बहुत ही ज्यादा बूस्ट देते हैं, उनका पावर जो रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है बहुत बार। लेकिन गोकू का 100% पावर होने के बाद भी, 100% पावर होने के बाद भी वो अपना पूरा पावर लगाता है फ्रीजा को हराने के लिए। लेकिन फ्रीजा एक ऐसा मॉन्स्टर है, वो फिर भी अपना 50% पावर ही यूज करता है अपने फाइनल फॉर्म में। गोकू जो है अपना 100% पावर यूज करने के बाद भी वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, और वो ट्रम्प कार्ड क्या होता है, वो रहता है स्पिरिट बॉम्ब या फिर गेंकी डमा। गेंकी डमा एक ऐसा टेक्निक है जो कि हेवनली रेलम से वो गोकू जो है वो पहला यूजर रहता है इस वर्ल्ड पे, इस वर्ल्ड में मतलब इस मोर्टल यूनिवर्स में। और दोस्तों, गेंकी डमा एक ऐसा चीज है जिसमें एनवायरमेंट के हर एक पार्टिकल से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ की जो रहता है वो गोकू के पास आता है, और वो सारे गोकू को हेल्प करते हैं। वो नेचर के हर ऑब्जेक्ट्स से एनर्जी मांगता है और वो गोकू उसको यूज करता है, और उस टाइम गोकू का हार्ट एकदम शांत हो जाता है। और दोस्तों, फ्रीजा सागा में यहाँ पे फ्रीजा को मारने के लिए गोकू सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को वो यूज करता है अपने गेंकी डामा में, लेकिन फिर भी फ्रीजा जो रहता है वो उसको सर्वाइव कर जाता है। लेकिन दोस्तों, गोकू के दोस्त उस टाइम पे वो खुशी मना रहे होते हैं कि हम जीत गए, हमने फ्रीजा को डिफीट कर लिया। लेकिन उसी टाइम पे फ्रीजा जो रहता है वो आ जाता है, और गोकू का बचपन का दोस्त, गोकू का सबसे चीची और गोहन के बाद मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन में आता है वो क्रिलिन रहता है, या फिर कहे तो वो चीची से भी पहले जो रहता है वो क्रिलिन उसके साथ रहता है। लेकिन फ्रीजा जो रहता है उसी दोस्त का वेपर कर देता है, उसका टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसका सेल भी मतलब मिलना नामुमकिन रह जाता है, इस हिसाब से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी टाइम गोकू के अंदर एक ऐसा, गोकू के दिल और दिमाग में एक ऐसा इमोशनल इंटेंशनल लहर जो है वो खेल जाता है, जो कि प्योर रेज और सैड से वो भरा होता है। और इसके रेज के वजह से पूरे होल प्लैनेट का जो वेदर सिस्टम जो है वो बदलने लगता है, उसका कोर तक वो हिलने लगता है, उसका सिर्फ रेज से ही, उसका मेंटल कंडीशन से ही वो पूरा वर्ल्ड का जो वेदर सिस्टम रहता है वो कम्प्लीटली धीरे धीरे अनालाइट होने का फ्लक्चुएशन कर रहे थे। और उसके बाद एक ऐसा एनर्जी बर्स्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं सुपर सायाजिन। इस फॉर्म के पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हर फिक्शन में अप्लाई होता है किसी ना किसी रूप में। और दोस्तों, ये फॉर्म इतना ज़्यादा पॉपुलर रहता है कि वो हर कोई बचपन में जो जो ड्रैगन बॉल देखता है वो एक कभी ना कभी सुपर सैन बनने के लिए वो ज़रूर ट्राई करता है। यहाँ तक कि मैंने भी किया है बचपन में। अब जब भी कभी अकेला होते हो आप ज़रूर ये फॉर्म को ट्राई करते हो कि काश मैं भी सुपर सैन बन जाता और उड़ के चला जाता जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है। लेकिन जो भी हो, टोरियामा के द्वारा बताया गया कि ये जो फॉर्म को कौन कौन अचीव कर सकता है, ये फॉर्म को कोई एरागरा सेंस जो रहते हैं वो अचीव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसको ज़्यादातर लीजेंडरी फॉर्म बोला जाता है, मतलब एक बंदा प्योर हार्ट होना चाहिए और उसका हाई बैटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, और दूसरी बात उसके अंदर एस सेल्स का भरमार होना चाहिए, तभी जाकर ये फॉर्म को वो तुरंत जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसी वजह से गोकू से नेक्स्ट जनरेशन जितने भी लोग हैं वो इजीली इस फॉर्म को अचीव कर पाए।
लेकिन वेजिटा का सुपरसन बनने का कारण वेजिटा का तो प्योर हार्ट नहीं था, क्योंकि प्योर हार्ट होने से सिर्फ सुपरसन नहीं बना जाता, सुपरसन बनने के लिए हाई बेटल स्ट्रेंथ और SL का होना जरूरी रहता है, जो कि वेजिटा के पास हाई बेटल स्ट्रेंथ जो रहता है वो उसके पास था। तो दोस्तों ये तो हो गया ओरिजिन वाली बातें, बहुत सारे ओरिजिन की बात हमने कर ली, लेकिन अभी हम बात करते हैं गुड स्टफ की तरफ, जो कि है मल्टीप्लायर्स, पावर स्केलिंग। तो सुपरसन का मल्टीप्लायर ये है कि दोस्तों बेस फॉर्म से वो यूज़र का बेस फॉर्म से 50 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगा, मतलब वो अपने बेस फॉर्म जो भी सुपरसन में ट्रांसफॉर्म होगा अपने बेस फॉर्म इनटू 50 टाइम, यानी गोकू का जो पावर लेवल उस टाइम पे था 1 मिलियन था और वो 50 टाइम हो गया, मतलब 150 पावर लेवल हो गया सुपरसन फॉर्म में। और उसी फॉर्म के साथ गोकू जो रहता है वो फ्रीजा को हराता है, और फ्रीजा को हराने के बाद गोकू कुछ एक साल या फिर 6 महीने के अंदर वो यार्डर्ट प्लैनेट के वहाँ पे जाता है। यार्डर्ट प्लैनेट पे वो कुछ नया टेक्निक्स सीखता है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन, और उसके बाद गोकू रिटर्न आता है यार्थ पे। उसी हिसाब से मैं उसी सुपरसन फॉर्म को मैं 2 गुना ज्यादा पावरफुल बताऊंगा, क्योंकि गोकू उस टाइम पे बहुत ड्रेन्ड था और सेंस जो रहते हैं वो कीप ग्रोइंग करते रहते हैं, अपना पावर जो रहता है उनका बढ़ता रहता है। और दोस्तों सुपरसन का यहाँ पे बहुत सारे ग्रेड्स हैं, सुपरसन का सिर्फ एक ही ग्रेड नहीं है, जैसे कि ग्रेड 1 सुपरसन जो रहता है वो गोकू जब पहला सुपरसन अचीव करता है, लेकिन जब गोकू एंड्रॉइड सागा के बाद जब ट्रेनिंग लेता है हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर पर, वहाँ पे वो सारे गोहन को ग्रेड के बारे में बताता है कि हमारा सुपरसन का बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं और जहाँ पे वो पावर जो है मल्टीप्लायर्स हो जाते हैं। इसी तरह से ग्रेड 2 सुपरसन जो गोकू वेजिटा का जो फॉर्म था ग्रेड 2 सुपरसन या फिर गोकू का भी जो फॉर्म था ग्रेड 2 सुपरसन, वो बेस फॉर्म सुपरसन मतलब नॉर्मल सुपरसन फ्रीजा सागा के सुपरसन से, या फिर कह सकते हो कि मेका फ्रीजा यड्रेट गोकू सुपरसन से 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो पावरफुल है। इसका मतलब वो 500 टाइम पावरफुल है यड्रेट गोकू से। और दोस्तों उसके बाद जो रहता है वेजिटा और ट्रंक्स भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो वेजिटा और ट्रंक्स का भी ऐसा ही ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंदर वो चले जाते हैं। तो ट्रंक्स का जो ग्रेड 3 सुपरसन जो कि बफ्ड अप फॉर्म रहता है वो ट्रंक्स का ग्रेड 3 सुपरसन रहता है, और ग्रेड 3 जो सुपरसन रहता है वो उससे ज़्यादा ग्रेड 2 सुपरसन से 2 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल रहता है। इसका मतलब वो रहता है यड्रेट गोकू से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल रहता है। ये होता है ग्रेड 3 का मल्टीप्लायर। और दोस्तों गोकू वर्सेस सेल में जो गोकू का जो फॉर्म रहता है जिसको बोलते हैं मास्टर्ड सुपरसन या फिर कहते हो ग्रेड 4 सुपरसन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ग्रेड 3 सुपरसन ट्रंक्स, ग्रेड 2 सुपरसन वेजिटा, यड्रेट गोकू और फर्स्ट फॉर्म सुपरसन वो सारे मिलके भी अगर आ जाए तो वो गोकू को टच भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब गोकू का यहाँ पे मल्टीप्लायर हो जाता है 2000 टाइम पावरफुल देन यड्रेट गोकू। तो दोस्तों मैं छोटा सा एक पावर स्केलिंग का चार्ट देता हूँ या फिर आपको एक ग्राफिकली बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ग्रेड 4 सुपरसन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो लिटरली ग्रेड वेजिटा का ग्रेड 2 सुपरसन को इजीली पेल सकता है, और ट्रंक्स का ग्रेड 3 को भी इजीली पेल सकता है, और ट्रंक्स का ग्रेड 3 इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सेमी परफेक्ट सेल्स को आराम से धो सकता है, मतलब फिंगर के फ्लिक से वो इजीली मार सकता है सेमी परफेक्ट सेल को, और सेमी परफेक्ट सेल वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि नंबर 18 और 17 दोनों को कंबाइन करके या फिर नंबर 18, 17 और फर्स्ट फॉर्म सेल इनों को मिला दो फिर भी सेमी परफेक्ट सेल जो रहता है वो इतना ज़्यादा उससे पावरफुल रहता है। और सेमी परफेक्ट सेल जो रहता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि दोस्तों ट्रंक्स जो कि फ्यूचर ट्रंक्स है, फ्यूचर ट्रंक का पहला अपीयरेंस का जो सुपरसन फॉर्म था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो मेका फ्रीजा को 2 टुकड़ों में काट सकता है, और मेका फ्रीजा जो कि 2 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बफ्ड 100% फ्रीजा जो रहता है वो नामेक सागा के एंड आर्क तक फ्रीजा को दिखाया गया था वो उससे भी ज्यादा पावरफुल रहता है मेका फ्रीजा। सो दोस्तों यहाँ पे सुपरसन का 2 स्टेटमेंट्स आते हैं, पहला स्टेटमेंट फ्रीजा सागा का सुपरसन, और दूसरा स्टेटमेंट आता है सेल सागा का सुपरसन जो कि ग्रेड 4 सुपरसन है, और फ्रीजा सागा का सुपरसन जो रहता है वो ग्रेड 1 का सुपरसन है। तो इन दोनों के बीच में स्पीड और बस्टिंग अटैक जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ग्रेड 1 से ग्रेड 4 सुपरसन जो रहता है वो 2000 से 4000 गुना ज़्यादा पावरफुल रहता है, मैं भी 1000 से 2000 गुना ज़्यादा पावरफुल रहता है। सो दोस्तों ओवरऑली देखा जाए तो गोकू का स्पीड फीड फ्रीजा सागा के अंत तक वो कितना होना चाहिए, उसको लिटरली अगर देखा जाए तो वो क्वाड्रिलियन टाइम फास्टर देन लाइट बताया जाना चाहिए। और दोस्तों फ्रीजा सागा के अंत तक पहुँचते गोकू का स्पीड फीड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि वो अनक्वांटिफाइबल फीड पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि गोकू का स्पीड अप टू 1 क्वाड्रिलियन टाइम फास्टर देन लाइट स्पीड
रहता है। क्यों? क्योंकि किंग काई जो रहता है वो यूनिवर्स के हर चीज़ को वो ईजिली चुटके में ढूंढ सकता है। और यूनिवर्स कितना एक्सपांड है आप सब जानते हैं कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 98 बिलियन लाइटर्स है। और यहाँ पे पूरा यूनिवर्स की बात किया जाता है, हर क्वाड्रेंट्स की बात किया जाता है। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। किंग काई जो रहता है वो चुटके में यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट को, हर पर्सन को वो ईजिली ढूंढ सकता है। लेकिन फ्रीजा और गोकू के बीच में जो फाइटिंग होता है वो इतना तेजी से लड़ते हैं कि वो किंग काई के परसिव, किंग काई हर समय जो रहते हैं वो नामिक के प्लैनेट से वो नज़र टिकाए रहते थे उस टाइम पे। लेकिन वो फिर भी गोकू और फ्रीजा जो रहता है उनका फाइटिंग बैटल स्ट्रेंथ जो इतना ज़्यादा रह जाता है कि वो परसेप्शन से वो बाहर हो जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये फास्टर देन लाइट पे वो काउंट होता है। फिर कह सकते हैं कि वो जो है अनक्वान्टिफाइबल फीट पे वो काउंट हो सकता है। तो उसी तरह से बस्टिंग फीट की अगर बात करें तो दोस्तों गोकू जो रहता है फ्रीजा को सिर्फ मारने के लिए सुपरसन से पहले उसको बोला जाता है कि वो पूरे होल यूनिवर्स से वो स्पिरिट बम को कलेक्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल रिम की बात यहाँ पे हो रही है, होल यूनिवर्स का मीनिंग। तो सिर्फ बैटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें, सिर्फ नंबर्स की अगर बात करें तो वो इजीली वो मल्टी सोलर सिस्टम तो इजीली जाएगा ही जाएगा। वो बहुत सारे सन्स को, स्टार्स को वो इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है सुपरसन आने से पहले। और सुपरसन आने के बाद तो वो इजीली सोलर सिस्टम से अबव होगा ही होगा, मल्टी सोलर सिस्टम प्लस तो होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों ग्रेट फोर सुपरसन वो कितना ज़्यादा है, जो कि सेल सागा सुपरसन है, वो लिटरली फास्टर देन टेलीपोर्टेशन हम कह सकते हैं। बस्टिंग अटैक बहुत ज़्यादा, मतलब अनक्वान्टिफाइबल है, मतलब अनक्वान्टिफाइबल इन द सेंस कि वो मल्टी गैलेक्सी मल्टी सोलर सिस्टम से ज़्यादा, मल्टी सोलर सिस्टम टू गैलेक्सी लेवल वो हो सकता है। ये सिर्फ ड्रैगन बॉल जी की बात हो रही है, मतलब सेल सागा की बात हो रही है। और दोस्तों कुछ रिटार्ड्स और कुछ नॉर्मिस ऐसे हैं जो कि ये पावर स्केलिंग को या पावर ग्रेडिंग सिस्टम को वो बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते। ये जो मल्टीप्लायर्स जो रहता है वो सारे चीज़ों को वो डिनाई करते हैं। अगर वो इसको डिनाई करते हैं तो वो पूरे ड्रैगन बॉल के लॉजिक को ही पूरी तरह से, मल्टीप्लायर्स को भी पूरी तरह से डिनाई करेंगे। इसी वजह से उनकी बात को, उनके साथ बहस करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे रिटार्ड्स और ऐसे ऐसे नॉर्मिस से मैं बात कर चुका हूँ जो कि ड्रैगन बॉल के मल्टीप्लायर्स पे वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। सो दोस्तों अभी मैं सुपरसन 2 के बारे में बात करता हूँ। सुपरसन 2 जो रहता है वो ग्रेड 4 का 2 टाइम ज़्यादा मल्टीप्लायर रहता है, मतलब 2000 × 2, मतलब 4000 टाइम स्ट्रॉन्गर देन याड्रट गोकू फ्रॉम सेल सागा। सो दोस्तों सुपरसन 2 जो रहता है वो उसको अचीव करने के लिए एक कैरेक्टर के पास वो यूजर को हार्श ट्रेनिंग में जाना होगा और अल्ट्रा अर्जेंसी, मतलब जैसे कि एक बंदे को अगर आप हेल्प करना चाहते हो उसके अंदर जो इंटेंस इमोशनल स्टेट रहता है उसी स्टेट में आपको जाना पड़ेगा और इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और टिंगलिंग फीलिंग आपको करना पड़ेगा आपके बैक पे, जो कि मैं ये टॉपिक में यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों एक और एक भी बात है कि सुपरसन 2 जो रहता है वो सुपरसन 1 का ही कुछ बियॉन्ड वर्जन है ना। तो दोस्तों उसका स्पीड फीड क्या हो सकता है? स्पीड फीड जो रहता है वो फास्टर देन टेलीपोर्टेशन ही होगा। और उसके आगे क्या हो सकता है, मैं उसको अनक्वान्टिफाइबल फीट बता रहा हूँ स्पीड फीट में, क्योंकि सुपरसन 1 जो रहता है वो ऑलरेडी, सुपरसन 1 का ग्रेड 4 ऑलरेडी वो फास्टर देन टेलीपोर्टेशन है। इसी वजह से मैं भी यहाँ पे फास्टर देन टेलीपोर्टेशन ही बताऊँगा। और दूसरी बात यह है कि बस्टिंग अटैक जो रहता है वो भी सोलर सिस्टम टू गैलेक्सी लेवल, मल्टी गैलेक्सी लेवल में बताऊंगा, ये मेरे स्केलिंग अभी के हिसाब से अगर बताया जाए तो। लेकिन दोस्तों और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने स्केलिंग बताया ना वो सारे के सारे रद्दी स्केलिंग है, वो बिल्कुल भी वैलिड स्केलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन और जिन्होंने इसको बनाया उनका परसेप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हम कम्प्लीटली रॉन्ग है, बल्कि हम गोकू को इसको बहुत ही लोबल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल्स के हिसाब से वो न्यूमरस टाइम वो बार बार बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ सुपरसन 1 फ्रीजा सागा के आते आते वो फ्रीजा सागा के फर्स्ट फॉर्म को, फ्रीजा के फर्स्ट फॉर्म को ही वो यूनिवर्सल थ्रेट के हिसाब से उसको काउंट करते हैं। मतलब सुपरसन 1 जो रहता है वो यूनिवर्सली पे काउंट होता है, यूनिवर्सल बस्टर पे काउंट होता है, मैक्रोवर्सल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, या फिर सिर्फ और सिर्फ मोर्टल रियलम यानी ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की ही बात हो रही है, जो कि मोर्टल लेवल पे मोर्टल यूनिवर्स के हिसाब से वो काउंट होता है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए बार बार स्टेटमेंट को बताया जाता है कि भाई फ्रीजा जो रहता है वो यूनिवर्स को थ्रेटनिंग कर सकता है। किंग काई ने बोला, फ्रीजा ने बोला, और यहाँ तक कि नैरेटर भी बोलते हैं एनिमेशन में, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन उनके जो ब्रोली के जो क्रिएटर है वो खुद बोल दिए कि भाई ब्रोली जो रहता है वो यूनिवर्स को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके पास उतना ज़्यादा पावर है।
फास्ट फॉर्म जो ब्रॉली रहता है, जब फास्ट अपीयरेंस जो ब्रॉली रहता है उससे ज़्यादा पावरफुल जो रहता है वो सुपर सेंट 2 रहता है। इसका मतलब सुपर सेंट 2 भी जो रहता है वो यूनिवर्सल बस्टर पे काउंट हो सकता है, क्योंकि सेल को भी इस तरह से बोला गया था कि वो होल यूनिवर्स को वो थ्रेटनिंग कर रहा है। वो मतलब एनिमी में ही बार बार उसको बोला जाता है, एनिमी और मांगा में भी बोला जाता है। दोस्तों गेम में भी बोला जाता है कि सुपर सेंट और फ्रीजा सागा में मतलब फ्रीजा को सुपर सेंट को वो फ्रिंचिंग से ही वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब मैं बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई ये मतलब वो उनका स्केलिंग ऐसा है, हमारा स्केलिंग कितना लोवल है, मतलब हम कितने बिछड़े हुए हैं। भाई ये जब मैंने पहली बार देखा ना, मैं सोचा कि भाई मैं स्केलिंग ही छोड़ दूँ, हमने ड्रैगन बॉल ही छोड़ दूँ, क्योंकि भाई ड्रैगन बॉल का कुछ नहीं पता सच्ची बताया था। और भाई लेकिन और भी ज़्यादा हंसने वाली बात है कि लोग तो गोकू को सुपर सेंट 1 में और सुपर सेंट 2 को मतलब लो प्लानिटरी लेवल बोलते हैं। लो प्लानिटरी लेवल, हाई प्लानिटरी लेवल, ये क्या होता है? हाई प्लानिटरी लेवल, लो प्लानिटरी लेवल वो भी सेल सागा में और फ्रीजा सागा में। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत एक्चुअली में देखा जाए ना दोस्तों, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि ऑफिसर्स का हज़ारों स्टेटमेंट है भाई, बहुत सारे स्टेटमेंट्स है यूनिवर्सल यूनिवर्सल हर जगह पे। लेकिन दोस्तों जो भी हो, आप जो स्टेटमेंट लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे स्टेटमेंट जो है वैलिड है। और मैंने जो स्केलिंग दिया था मल्टी यूनिवर्स मल्टी सोलर सिस्टम गैलेक्सी वस्टर, इस पे अगर आप ध्यान देना चाहोगे तो दे सकते हो, या फिर वो बिल्कुल भी वो आपके ऊपर पूरी तरह से मर्जी है। आप मेरा स्टेटमेंट ले सकते हो या फिर ऑथर का स्टेटमेंट ऑफिशियल का स्टेटमेंट वो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और उसी वीडियो पे हम सुपर सेंट 3 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अरिगातो गोज़ाइमास, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, सुपर सेंट 3 के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है, इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग फीट है सुपर सेंट 3 के लिए। और इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा स्केलिंग जो रहे वो रद्दी है और कुछ नहीं है।